हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है आखिर ये सब हो कैसे रहा है। कोचिंग माफिया जो एग्जिस्ट करता था वो सच बात है और आज दिख रहा है वो बात। तो इस बात को देख के मुझे बहुत ही अंदर से ऐसा फीलिंग आ रहा है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हो क्या रहा है। जैसा कि कल का इंसिडेंस आपको पता ही होगा अभी तक, कि जो हमारे एनटीए हैं, एनटीए जो का जो ट्विटर हैंडल है वो एक ऐसा पोस्ट करता है कि नीट जो है पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, जेई पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। वही सेम ट्वीट एक बड़े कोचिंग एलएन के जो काउंसलर हैं पारिजात मिश्रा, वो उससे एनटीए से पहले ही ट्वीट कर रखे हैं। उन्होंने अपने पहले फेसबुक पेज पे पहले ही डाल रखा है, इंस्टाग्राम पे पहले ही डाल रखा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब कि या तो आउटसोर्स किया जा रहा है एनटीए के द्वारा, या फिर एनटीए के द्वारा लीक किया जा रहा है, यानी कि एनटीए से लीक हुआ है या फिर आउटसोर्स किया जा रहा है वहीं से एनटीए के ओर से ही। मतलब दोनों में कुछ तो कनेक्शन है। अगर यहाँ पे पराजित मिश्रा जो है अगर गलत नहीं होते, उनको कहीं और से मतलब कुछ और भी बात होती तो उनको सामने आके बोलना चाहिए था, बट यहाँ पे कम्प्लीटली अपोजिट किया गया। उन्होंने अपना फेसबुक अकाउंट, अपना ट्विटर अकाउंट, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट सारा जो है डीएक्टिवेट या फिर डिलीट कर दे वो कर दिया। तो आप कैसे विश्वास कर सकते हो कि ये जो एनटीए एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है वो पूरा फेयर है? यहाँ जो भी अभी चल रहा है वो सारे जो है वो प्रेशर में हो रहे हैं। यहाँ एलएन का प्रेशर हो, कॉलेजेस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का प्रेशर हो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का सारे का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और यहाँ तक तो एलएन का तो अब सामने ही आ चुका है। जो भी बात है, अगर ये सब बात नहीं था तो उनको सामने आके ये बताना चाहिए था कि क्या हुआ है मेन। लेकिन वो अपने पराजित मिश्रा जो है खुद का जो फेसबुक आईडी है, ट्विटर आईडी है एंड इंस्टाग्राम हैंडल सारा डीएक्टिवेट कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है जो मुझे लगता है, और डेफिनेटली गड़बड़ है, नहीं तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। ऐसा कैसे हो सकता है कि एनटीए का ऑफिशियल स्टेटमेंट सेम रहे जो कोई एक इंस्टीट्यूट का कोई एक टीचर जो है वो पोस्ट कर रहा है, वो भी एनटीए से पहले? तो आप सोच सकते हैं कि कहाँ पे कनेक्शन जाता है। तो लास्ट में मुझे बस यही कहना है कि ऐसा करना सब कोचिंग छोड़ दें, ये बिल्कुल किसी के लिए सही नहीं है, खासकर तो स्टूडेंट के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अभी उनकी कोचिंग सारे बंद पड़े हैं तो वो सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम हो जाए तो कुछ बच्चे जो है वो फिर एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने के बाद जो अनलॉक आएगा तो फिर कोचिंग खोला जाएगा तो बच्चे आएंगे फिर से। तो ये बिल्कुल गलत हो रहा है। अभी इसके खिलाफ हम सबको मिलकर आवाज़ उठाना है, हम सबको एक साथ खड़ा होना है। और अभी जो हम लोग का इम्पैक्ट पड़ा था सभी के ऊपर, जो नीट पोस्टपोन करने का जो इतना ज़्यादा ट्यूट हुआ था, सबका प्रेशर जो है ये करवा रहा है। तो आपको अभी रुकना नहीं है, आपको अभी यहाँ पे नहीं रुकना है, आपको पढ़ना है। सही बात है, आपको आपके जो 20 दिन बचे हैं नीट में और 10 दिन जो बचे हैं जेई मेंस में, आपको डेफिनेटली इन सारे दिनों में अच्छे से पढ़ना है। लेकिन आपको कुछ टाइम निकालना है ट्वीट करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ये जो कोचिंग माफिया है ऐसे नहीं रुकने वाले हैं, इनके खिलाफ आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा। और आप अभी ट्वीट कीजिए नीट एंड जेई पोस्टपोन करने के लिए। और इन कोचिंग का जो अगर पोस्टपोन नहीं होता है तो जान लीजिए इन कोचिंग्स का बहुत ही बड़ा हाथ है। अब जो भी मैटर है वो बहुत ही हाई लेवल पे चला गया है। अब पीएमओ डायरेक्ट इस पे अंडर देख रही है, तो देखिए क्या होता है। तो 25 को पता ही चल जाएगा, क्योंकि 24 को मीटिंग है, 25 को जो भी अनाउंसमेंट आ जाएगा। तो फिलहाल तो अभी आपको वेट करना है और आपको ट्वीट करते रहना है, क्योंकि आपने जैसे ही ट्वीट करना बंद किया इन लोग का प्लान जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको ट्वीट करना है, ठीक है? तो बस आप ट्वीट कीजिए और अपना पढ़ाई रेगुलर रखिए। और इन कोचिंग के खिलाफ ज़रूर आपको आवाज़ उठाना है। आप ज़रूर ऐसा कीजिए कि इन कोचिंग को समझ में आए कि ये जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। तो बस मुझे इस वीडियो में इतना ही कहना था। मुझे नहीं लगता है कि ये अभी सही हो रहा है। तो बस
इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये सब बातें पता चल सके, और ये जो घोटाला चल रहा है आप इसको स्कैम बोल सकते हो एक, तो वो सबको पता चल सके और सब इसको सपोर्ट कर सके। तो बस इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और बस मुझे इतना ही बोलना था।